सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र द्वारा आयोजित 10 दिवसीय क्षेत्रीय शिशु वाटिका प्रशिक्षण वर्ष 2019 का शुभारंभ हुआ। विद्या भारती के विद्यालयों में चल रही शिशु वाटिका में आने वाले शिशु के साथ आत्मीय संबंध बनाकर उन्हें संस्कार दिए जाते हैं। उनके शारीरिक मानसिक आवश्यकताओं को समझकर उनका विकास करना ही शिशु वाटिका का उद्देश्य है। विद्या भारती ने 3 से 5 वर्ष की आयु में शिशुओं का भारतीय पद्धति के अनुसार विकास करने का पाठ्यक्रम निर्माण किया है। प्राथमिक से पूर्व शिशु वाटिका 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए अध्ययन का स्थान है। प्रशिक्षण में 49 जिलों में 145 प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे हैं। सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री डॉ. जय प्रताप ने कहा कि शिशु वाटिका की संकल्पना एवं इसके पूर्व आधार पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विद्या भारती ने पूर्व माध्यमिक शिक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया। भारतीय संस्कृति एवं स्वदेशी परिवेश के अनुरूप शिशु शिक्षा पद्धति पशिशु वाष्टीकरण का विकास किया। शिशु का शारीरिक मानसिक भावनात्मक सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास की अनौपचारिक शिक्षा पद्धति शिशु वाटिका के नाम से प्रचलित हुई, जिसमें पुस्तकों और कापियों के बोझ से शिशु को मुक्ति प्रदान की गई। उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथि दिनेश कुमार सिंह क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रमुख, अध्यक्षता योगेश क्षेत्रीय सेवा शिक्षक संयोजक, अक्षय ठाकुर, बहन हीरा सिंह, विजय उपाध्याय, कमलेश सिंह, शिवाजी राय, प्रधानाचार्य रमेश राय, राजबिहारी, उप प्रधानाचार्य संजय श्रीवास्तव, दिवाकर, वरिष्ठ आचार्य प्रेम चंद्र दुबे सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। विजय जी को आमंत्रित करती हूँ इस शिशु वाटिका की प्रस्ताव की रखने का। आज परम सौभाग्य का विषय है, विद्या भारती की जो हमारे आचार्य दीदी यहाँ उपस्थित है, इस प्रशिक्षण की कार्यशाला में हमारे क्षेत्र के मंत्री जो शिक्षाविद हैं, मुखिया जो हमारे संगठन मंत्री जी रहे हैं, आप सबको। वैसे तो प्रशिक्षण 15 दिन 10 दिन 1 माह होता था, लेकिन अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर में एक बड़ा प्रशिक्षण किया गया स्तर पर भी, क्योंकि हमारा प्रशिक्षण अग्निहोत्र से प्रारंभ होता है। प्रातःकाल जागरण करके ये बहने 2 बजे रात तक चली हैं, तब भी इनके चेहरे पर प्रसन्नता है, कहीं से थकावट नहीं है। 2 बजे रात तक अपना पूरा गृह कार्य करके तब विश्राम किए हैं और मैं वहीं बगल में रहता हूँ लोपे, और 3:30 बजे से उठ गई कि 6 बजे हमको अग्निहोत्र करता है। प्रांत निरीक्षक जी, संभाग निरीक्षक, मेरे सम्मुख उपस्थित सभी सम्मानित प्रधानाचार्य आचार्य बंधु भगनी, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है मेरे लिए कि ये विद्यालय ऐसा है कि यहीं से सरस्वती जो शिशु मंदिर की श्रृंखला शुरू हुई उसका ये प्रथम विद्यालय के रूप में जाना जाता है, हम लोग उसको मानते हैं। और आज यहाँ पर हमारी जो शिक्षा है उसका जो शुरुआत होती है उसका एक प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन सत्र है, और मुझे इस उद्घाटन सत्र में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। ये जो दुनिया है वो लगातार बदल रही है, और जो उसके बदलने की जो गति है वो लगातार तेज हो रही है, और आने वाला जो समय है वो अधिक चुनौतीपूर्ण होने वाला है हर दृष्टि से। इसलिए जो बच्चे हमारे समाज का या हमारे राष्ट्र का भविष्य बनने वाले हैं, जो या तो बहुत छोटे हैं या जिन्हें आना, आज 10 दिन, आज के बाद 10 दिन तक हम सभी लोग
उनके बारे में अलग अलग तरीके से अलग अलग कोण से हम उनको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, या जो हमारा अनुभव है उसको जो देश भर में जो शिशु वाटिकाएँ चल रही हैं उनसे जो निचोड़ विद्या भारती ने प्राप्त किया है वो कैसे आपके माध्यम से वापस समाज में वापस जाए, तो देश भर का अनुभव है।